हजरत अली रजी अल्लाह तआला ग़ज़वे खंदक के मौके पर उमर में छोटे थे, एक आ गया अमर बिन बुद्ध जो बहुत बड़ा पहलवान और उसके बारे में आता है 1000 आदमियों से लड़ता था, ऐसा ताकतवर आदमी, ऐसा ताकतवर आदमी था, 1000 आदमियों से लड़े। वो आ गया खंदक को, उसने अपने घोड़े को लेर लगाई खंदक को पार करके सहाबा के तरफ, और उसने लगा आदमी मुबारक है मेरे मुकाबले का कोई आए मेरे मुकाबले में मुझसे लड़े आ गया। अल्लाह के नबी ने सहाबा से मशवरा किया और फिर आपने कुछ कहा बताओ कौन चल जा रहे, कोई नहीं उठ पता है सर को इसका हाल क्या है और कितना खूनखार और कितना शुजा और कैसा लड़ाकू आदमी। हजरत अली अल्लाह के नबी बैठ जाओ बैठ जा ली अमर है, फिर दोबारा आपने कहा है कोई जो अमर के मुकाबले जाए, कोई नहीं खड़ा हो। हजरत अली फिर खड़े अल्लाह के नबी बैठ जाओ, अरे बैठ के अमर है, फिर किसी मकाम में हमारा है कोई इसके मुकाबले में जाए, कोई नहीं खड़ा। हजरत अली फिर खड़े अल्लाह के नबी मैं तैयार हूं, आपने हमारा अमर में दूध है लेकिन जो होता है आप तो दुआ करो मैं जाऊंगा। जब तीन मरतबा में कोई ना खड़ा हुआ अली खड़े हुए तो आपने अपने करीब बुलाया मान रहा और दुआ दी कि इधर नबी दुआ में लगे उधर अली मुकाबले में गए, जैसे पहुंचे पूछा कौन है तू, क्या अली बिन अभी तो अली, अच्छा तो अभी बच्चा है जाके काम कर मेरे मुकाबले में नहीं, मेरे मुकाबले का फिर। हजरत अली ने कहा मुझे तेरा खून बहाने में बड़ा मजा आया, मुझे तेरा खून बहाने में बड़ा मजा आया, आपकी बबूला होगा सुरख हो गया अपने गुस्से में लग पीला, अच्छा तलवार निकाली हजरत अली पे हमला किया, हजरत अली के यहां लगा यहां तलवार लगी और उनका फवारा छूटा। कुरैशी के बारे में मशहूर है अगर खून उनका निकल जाए तो अब वो बच्ची के काबू में नहीं जाएगी, या तो जान ले लेंगे या जान दे देंगे। हजरत अली का जब खून निकला हजरत अली को भी गुस्सा आया, उसने हमला कर दिया तो हजरत अली की बारी थी, हजरत अली ने उस पर हमला किया है उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी, हमला किया यहां पर उसके जो मारा है चीख के दो टुकड़े कर लेता उसका और गिरा। हजरत अली ने क्या है अल्लाह अकबर की सदा बदल की, सहाबा खुश हो गए और हजरत अली ने उसे चाट करके दुश्मनों की तरफ उसके नाश कर फेंक दिए। जब दुश्मनों ने फाड़ लिए इतने बड़े का ये हजर हुआ है तो हम क्या चिपकी चिपकी तो शो गए हमारा क्या हजर करेंगे, सब सह रहे कांप गए बनाना अंदर को नहीं जाना है वरना हमारा भी अंजाम क्या है यही होगा। तो सहाबे के आम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानने वाले, अली ने कैसे हुक्म माना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, चांदी छावर करने वाले ओहद के मौके पर दुश्मनान इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताक में थे किसी करे इनको नौज बिल्ला नहीं लगा देता, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में जाकर के बैठ गए और सहाबा सामने आपने सलात व सलाम दिया, दुश्मन आ रहे हैं आपने कहा कौन है तुम्हें का मुंह फेर दे, एक महाजनी आगे बढ़े अंसारी आगे बढ़े मुकाबला किया शहीद हो, दूसरे बड़े वो शहीद, तीसरे बड़े वो शहीद, चौथे बड़े वो शहीद, नौ सहाबे किराम एक एक करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में शहीद हो। उसके बाद हजरत अली ने तलवार लिया और हजरत अली ने मुकाबला जो किया कि इतने जोश के साथ में और इतनी बहादुरी के साथ सबके मुंह फेर दिए और जिब्राइल अमीन ने आकर के हजरत अली की शुजाअत और बहादुरी की तारीफ की, तो सहाबा एक एक करके शहीद हो रहे हैं और एक सहाबी हम की जाना अल्लाह के नबी की तरफ चेहरा करते हैं दुश्मनों की तरफ पीठ करते हैं, जितने तीर आ रहे और वो पीठ पे ले रहे हैं, जितने तीर आ रहे पीठ पे ले रहे हैं, हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु तीर चला रहे हैं दुश्मनों के मार रहे हैं निशाने के बहुत पक्के, अल्लाह के नबी के पास से जो भी सहाबी मददगार फरमाते तीर यहां डाल दो साथ चलाए, हजरत सांस चलाते तीर अल्लाह के नबी झुक करके जब देखते तीर कहां गया हजरत सांस फरमाते आका नहरी दुन नहरे नहरी दुन नहरे
मेरा सारा सबकी होने के लिए तैयार है। आका आप इधर मुंह ना करो, आपको चीर ना दहन कर जाए, मेरा सारा शक्ति हो जाए, मुझे गवारा, आपके चीर लगे मुझे गवारा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत साद ने जितने चीर चलाए थे कुफार के मारे, अल्लाह के नबी जोश में आ गए। मोहब्बत में आपने क्या फरमाया, फिदा का भी वो मियां साद, साद मेरे मां बाप तेरे पे कुर्बान। अल्लाह हू अकबर। हम कहते हैं हमारे माँ बाप नबी पे कुर्बान, नबी कह रहे हैं हजरत साद से, साद मेरे माँ बाप तेरे पे कुर्बान। क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, कैसी मोहब्बत है, कैसा ताल्लुक है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सहाबे के नाम से। इसलिए मेरे भाइयों हमें भी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से सहाबे के नाम से क्या करें, मोहब्बत करें, उनके मकाम और मर्तबे को अपने सामने रखें। क्या है हर सहाबी के लिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमा दिया, असहाबी कन्नुजूम फिरैनी हैं कि कदैतुम कि कदैतुम, मेरे सहाबा क्या है, नुजूम हिदायत है, हिदायत के सितारे हैं, किसी एक भी इब्तिदा करोगे तो हिदायत के कामिल हासिल हो। इसलिए हर सहाबी अपने जगह पर नबी का क्या है, मौजिजा है, क्या भाई मौजिजा है। इसलिए सहाबा की जिंदगी को पढ़ो और उसको अपनाने की कोशिश भी करो। अगर नबी की जिंदगी 100% देखना हो तो सहाबा की जिंदगी को देखो और उसको पढ़ करके अपने अंदर समोने की और लाने की भरपूर कोशिश करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी सहाबा के आलम की असर पर मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। वा अल्हम्दुलिल्लाह।